इट्स मी फहीम फैसल और आप लोग देख रहे हैं HF ड्रामा क्लब। सो गाइस, आज की एक व्लॉग वीडियो जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वैसे तो ये व्लॉग काफ़ी टाइम पहले बन जाना चाहिए था, खैर कुछ मसरूफियत थी। और इस व्लॉग की कहानी मैं आपको बताऊँ, मेरी स्केचबुक और इस कमरे से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये एक मेरा खुद का फिगर पोर्ट्रेट किसी फेमस आर्टिस्ट। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स मेरी मैम इमराना शुजा, जिनकी वजह से मैं ये सब कुछ जहाँ पे भी हूँ। दूसरा थैंक्स स्पेशल वाटर कलर आर्टिस्ट तैयबा गनी। और तीसरा थैंक्स पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, किसका पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया, हाजरा। और खैर यहाँ से आए, मैं आपको शुरू करता हूँ आज की वीडियो का सीन क्या है। तो तो दोस्तों फाइनली आपका भाई पंजाब यूनिवर्सिटी PU कैट से फाइनल्स कर रहा है। ख्वाब था ये, मेरा शौक था जो पूरा हो रहा है, और मैं आपको अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता। और ये सब कुछ सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की वजह से, और उसके बाद बहुत से दोस्तों ने जो इस फील्ड में मुझे बारी बारी मिले हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद सब स्पेशल थैंक्स मेरी मैम इमराना शुजा का। सो PU में तो आपके भाई को जाते हुए अरसा हो गया यार, अब तो हमारे मिड्स होने वाले हैं। लेकिन ये व्लॉग, यह मेरा व्लॉग रिकॉर्ड था पहले से ही। पहला दिन वहाँ कैसा गुजरा सब रिकॉर्ड है, लेकिन बस मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ दिखा नहीं सका, तो उसके लिए माजरत। और आज हम थोड़ा चलते हैं पिछले वक्तों में, फिर वापस यहीं पर मिलेंगे। जी तो दोस्तों, ये जो आप मेरे साथ एक मोहतरमा देख रहे हैं, ये हमारी क्लास की CR मिस हादिया राहत, और इसके अलावा ये हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे बैठे हुए हैं। तो आपको मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी में पहला दिन, और मज़े की बात मैं आपको दिखाता हूं कि ये अब हमें मिली असाइनमेंट। अब देखें ना, ये एक आर्ट यूनिवर्सिटी है, तो आप देखें हमारी असाइनमेंट कितनी मज़े की थी। ये हमें कहा गया था कि पूरी यूनिवर्सिटी सर्वे करें, और ये बटर पेपर पे हमने टेक्सचर ढूंढ ढूंढ के जगह जगह से इनको शेड्स किए, पूरी यूनिवर्सिटी के कोने कोने से हमने ये टेक्सचर निकाले। तो आर्ट यूनिवर्सिटी हमारी असाइनमेंट भी कुछ इस तरह की है। और जो हमारा पहले दिन स्वागत कोर्टयार्ड में हुआ वो भी देखिए। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में पहला दिन तो वैसे बिज़ी गुजरता है, और ये बस एक छोटी सी असाइनमेंट थी। इसके अलावा ओरिएंटेशन ली हमने, तो असल जो सीन रैगिंग का था ना, वो मेरे सिर्फ लाहौरी दोस्त ही समझ सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो दूसरा दिन हमारा था वो असल देखने लायक है, वो ज़रूर देख के जाइएगा कि हमें लाहौर म्यूज़ियम भेजा गया है, बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी के सामने ही है वो एकदम लाहौर म्यूज़ियम। तो चलते हैं लाहौर म्यूज़ियम।
सो व्यूवर्स, हमें टीचर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि लाहौर म्यूज़ियम घूमते हुए आपने कोई भी एक पेंटिंग और एक स्कल्पचर सिलेक्ट करना है। तो फिर हम यूनिवर्सिटी जाकर उस पर फर्दर रिसर्च करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने ये यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते हुए उसको सिलेक्ट करना था, तो ये हमारी असाइनमेंट थी। तो फिर आपका भाई निकला और फिर ये इन सब पेंटिंग में से आपके भाई ने जो एक पेंटिंग सिलेक्ट की वो ये, बस दिल आ गया यार इस पेंटिंग पर। ये हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा, जिसको हम प्राइड कह सकते हैं, उस्ताद अल्लाह बख्श साहब मरहूम, उनकी पेंटिंग है ये। तो इसके अलावा फिर अब हमने आगे जाना था, एक स्कल्पचर भी सिलेक्ट करना था, तो ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट आ गया। स्कल्पचर में तो बहुत वैरायटी मौजूद थी वहाँ पर, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद आया वो ये क्वीन विक्टोरिया साहिबा का स्कल्पचर, जो कि सर एडवर्ड बर्टन ने बनाया था। तो ये बस बहुत हसीन। चलें अब यू चलते हैं वापस। तो व्यूवर्स, ये आप कुछ हरूफ देख रहे हैं और ये काफ़ी तैयारियां वगैरह। तो ये आज असल में एक फंक्शन है, सरीर खामा के नाम से ये एक फंक्शन होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तकरीबन कैलीग्राफी का ये एक फंक्शन होता है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। तो बस ये आपको सरीर खामा का थोड़ा सा फंक्शन दिखाते हैं, तो उसी के साथ फिर ब्लॉग एंड कर लेंगे। तो चलें चलते हैं।